गुमनाम नंबर से आई कॉल, एक अनोखी प्रेम कहानी। कहानी है नंदनी की, एक आम लड़की जो अपने जिंदगी में खोई हुई थी। हर दिन वही ऑफिस जाना, वही काम और वही अकेलापन। नंदनी की जिंदगी से खुशियां का मानो नाम ही मिट गया था। उसका लंबा रिश्ता टूट चुका था और अब उसे लगता था कि प्यार शायद उसके किस्मत में नहीं लिखा। लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुछ ऐसा ही नंदनी के साथ हुआ जब एक दिन उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। शाम का वक्त था, नंदनी ऑफिस से घर लौट रही थी। थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया, देखा तो स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था। उसने सोचा शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन कुछ अजीब था। उस फोन कॉल में फोन बार बार बज रहा था। नंदनी ने आखिरकार कॉल उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। आवाज में नरमी थी लेकिन कुछ रहस्यमय भी। हेलो नंदनी, कौन बोल रहा है? तुम्हारा एक पुराना दोस्त जिसे तुम शायद भूल गई हो। नंदनी थोड़ी घबराई लेकिन उत्सुक भी हुई। उसने लड़के से उसका नाम पूछा लेकिन उसने मना कर दिया। वह सिर्फ इतना चाहता था कि नंदनी उससे बात करे, अपनी जिंदगी की बातें, बिना किसी सवाल के, बिना किसी पहचान के। पहली बार तो नंदनी ने बात खत्म कर दी। उसे लगा शायद यह मजाक था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही कॉल फिर से आई। नंदनी ने सोचा इस बार बात कर ही लेती हूं। उसने फोन उठाया और बात करने लगी। लड़के ने फिर वही बात दोहराई, उसने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन नंदनी से कहा कि वह उसकी बातें सुनना चाहता है। इस बार नंदनी ने उसे मना नहीं किया। वे दोनों फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे नंदनी को उन कॉल्स की आदत होने लगी। उसे अब उस अनजान लड़के का इंतजार रहता था। हर बार जब वो फोन करता, नंदनी उसे जानने की कोशिश करती, कौन है ये लड़का, हम उसे बात कर रहा है, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, तुम्हारी आवाज सुनने का दिल था, बस इसी से मेरा दिन बन जाता है। दिन बीतते गए, कॉल्स का सिलसिला चलता रहा। नंदनी की उदासीन जिंदगी में जैसे नई रोशनी आ गई थी। वह फिर से खुश रहने लगी, लेकिन एक सवाल अब भी उसके दिल में था, यह शख्स आखिर है कौन? आज तो मैं तुम्हारा नाम जानकर ही रहूंगी, इतनी बातें हो गई है, अब तो बता दो तुम हो कौन? नंदनी, जब सही वक्त आएगा तब सब जान जाओगी, लेकिन तब तक क्या तुम मुझसे ऐसे ही बातें करोगी? नंदनी कुछ नहीं कह पाई। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे रोक देता था। उसकी हंसी, उसके सवाल और उसकी बातें, सब कुछ नंदनी को किसी अपने जैसा महसूस होने लगा। उसे अब लगने लगा था कि वह उस अनजान से प्यार करने लगी है। फिर एक दिन वह फोन कॉल नंदनी के जिंदगी बदलने वाली थी। नंदनी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? मिलना? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम हो कौन? सब्र रखो नंदनी, कल शाम 6 बजे तुम्हारे पसंदीदा पार्क में आओ।
वहां मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं जब तक खुद सामने ना आऊं तब तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना नंदनी। नंदनी ने हामी भर दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन का इंतजार उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या वह शख्स वही था जिसका उसने सालों से इंतजार किया था? क्या वह उसके जीवन का नया साथी बनेगा? बहुत सारे प्रश्न थे। अगले दिन नंदनी पार्क में पहुंच गई, ठीक शाम 6 बजे। उसका दिल उत्साह और चिंता से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, नंदनी। नंदनी ने मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसके दिल को छू गया। उसके सामने खड़ा था उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त ऋषभ। वही ऋषभ जिसे नंदनी ने सालों पहले खो दिया था। ऋषभ जिसने कभी नंदनी को बताया नहीं कि वह उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वह हमेशा नंदनी के साथ था, एक गुमनाम दोस्त बनकर। तुम ऋषभ, तुम इतने सालों से? ऋषभ ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं वही दोस्त हूं जिसे तुम भूल गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। नंदनी के आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई यूं लौटेगा जो उससे इतना प्यार करता है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है ऋषभ। और इस तरह नंदनी और ऋषभ की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यह कहानी उस अनकहे प्यार की थी जो बिना किसी पहचान के भी दिलों को जोड़ सकता है। प्यार हमेशा सामने नहीं आता, लेकिन जब आता है तो वह हमें बदल देता है। तो दोस्तों, यह थी नंदनी और ऋषभ की अनोखी प्रेम कहानी। कभी कभी प्यार वही होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो गुमनाम होकर आपको प्यार करता हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही और दिल छूने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।